वीडियो जरूर ध्यान से देखिए, नहीं तो ऐसा हो सकता है 5,000 के चक्कर में आप लोगों का सारा अकाउंट भी खाली हो सकता है। कैसे तो ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलेन। कोरोना के कहर काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दो अहम फैसला लिया है। नंबर 1, 72 लाख लोगों को 2 महीने के लिए फ्री राशन देने का ऐलान किया है। नंबर 2, ऑटो टैक्सी ड्राइवर को 5,000 रुपये देने का ऐलान किया है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग मिस यूज कर रहे हैं, यानी कि फ्रॉड काम कर रहे हैं। यदि आप भी सोच रहे कि हमें भी 5,000 रुपये मिले, वीडियो जरूर ध्यान से देखिए, नहीं तो ऐसा हो सकता है 5,000 के चक्कर में आप लोगों का सारा अकाउंट भी खाली हो सकता है। कैसे तो उस वीडियो में हम लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ कैसे आप लोगों के साथ या फिर हम लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों दरअसल उस टाइम पहले यानी 4 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी ऑटो टैक्सी ड्राइवर को 5,000 रुपये भेजे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर काफ़ी लोग परेशान हैं क्योंकि transport.delhi.gov.in पे लिंक को अपडेट नहीं किया गया है अभी तक। इसकी वजह से काफ़ी लोग अलग अलग वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं अप्लाई करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आपको अप्लाई करना होगा delhi.gov transport.delhi.gov.in पे ही इसका ऑफिशियल वेबसाइट को अपडेट किया जाएगा, ऑफिशियल लिंक को अपडेट किया जाएगा। किसी अदर वेबसाइट पे आप लोगों को अप्लाई नहीं करना है। यदि अप्लाई करते हैं तो आपको पर्सनल डाटा उनके पास जाएंगे और आपके पास कॉल फेक कॉल भी आ सकता है। और कुछ लोग यहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं, मैंने कई सारे आर्टिकल पढ़ा था, आर्टिकल के नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ लोग अपना मोबाइल नंबर, कुछ लोग आधार कार्ड नंबर सेंड कर रहे हैं। यदि आप इस तरह से आधार कार्ड नंबर या फिर मोबाइल नंबर आप सेंड करते हैं तो आपके पास फेक कॉल आ सकता है। और फेक कॉल आने के बाद आपसे पर्सनल डाटा या पर्सनल डिटेल भी पूछा जाएगा और अप्लाई बोलेंगे आपको, सेम सर यहीं से अप्लाई कर देते हैं, आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं और आपके मोबाइल फ़ोन से OTP मांगा जाएगा। क्योंकि आज के डेट में कुछ चालक ऐसे भी है जो पढ़े लिखे हैं, जिन्हें इन इन चीज़ों को नॉलेज है, तो इनको चक्कर में नहीं फंसेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इन सब के बारे में नहीं पता है, तो वो लोग यहाँ पे फंस सकता है। फोन पे और पेटीएम गूगल पे भी करवाने की कोशिश करेंगे और आपको रिक्वेस्ट भेजने की कोशिश करेंगे 5,000 का। वो सोच बोलेंगे से आपके अकाउंट में मैं क्रेडिट कर रहा हूँ फ़ोनपे के द्वारा, और आपको अकाउंट पे क्रेडिट ना करके वो लोग आपको रिक्वेस्ट भेज सकता है। तो इन लोगों इन सब के चक्कर से बचना है और सिंपल आप लोगों को यहाँ पे भी वेट करना है, क्योंकि अभी transport.delhi.gov.in पे लिंक को अपडेट नहीं किया गया है। देखते हैं गवर्नमेंट कब तक अपडेट करता है। तो बहुत ही जल्दी आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। इसके बाद उसी वेबसाइट से आप लोगों को विजिट करके अप्लाई करना है। जैसे ही इसके लिंक अपडेट होता है तो आप लोगों को प्रॉपर एक वीडियो में बना के दे दूंगा। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सेलेन चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।